लघु व्यापार एसोसिएशन ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अधीक्षक सुनीता सक्सेना से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर जल्द ही इन मांगों को पूरी करने की अपील की। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि हम लोग 6 मांगों को लेकर आए थे। 6 सूत्रीय मांगों में हमारे जो वेंडिंग जोन विकसित हो गए थे उनके डेवलपमेंट की मांग थी और उनके डेवलपमेंट के साथ साथ रखरखाव किस तरह से हो इस विषय पर चर्चा हुई। भगत सिंह सेक्टर पर जो वेंडिंग जोन बन रहा है उसकी सूची भी प्रकाशित होनी चाहिए। इस विषय को लेकर भी चर्चा हुई कि हमें प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हमारी 6 सूत्रीय मांगों को मान लिया जाएगा, उसको कैसे समाहित किया जाए। चर्चा इस विषय को भी लेकर हुई है कि जो काफ़ी दिनों से जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं जिन्हें नगर निगम ने दुकानें अलॉट कर दी हैं और उनका अब तक किराया नहीं लिया गया है, इस विषय को भी लेकर चर्चा हुई है। तो एक हमें ठोस आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही जो हमारे नोडल अधिकारी हैं श्याम सुंदर प्रसाद जी वो इसके बाद अपना प्रवेश करेंगे और सीट संभालेंगे दोबारा से। जैसे ही वो सीट संभालेंगे तो अगली जो हमारी जो आज हमारे जो 6 सूत्रीय मांग है वो क्रियान्वयन होगी धरातल। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।